खबर वही जो वतन के काम आए, खबर वही जो हिंदुस्तान को जगाए, खबर जिसमें देश हो सबसे पहले, खबर जो भारत का भविष्य बदले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं अंशु। वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का। जसपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के ग्राम पंचायत बेहरा खार में शासकीय जमीन पर अवैध तरीके से पट्टा हासिल करने का मामला जसपुर कलेक्टर तक पहुंचा। कलेक्टर ने ग्रामीणों को जांच कराने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आरक्षित भूमि खसरा क्रमांक 396 रकबा 2.250 हेक्टेयर भूमि को ग्राम सभा के दौरान सामूहिक वन पट्टा हेतु आरक्षित किया गया था, लेकिन ग्राम के ही लव कुमार ने कूटनीति के चलते बिना पंचायत प्रस्ताव व वन अधिकार समिति के बिना अनुमोदन के उक्त रकबा पर 27 मई 2019 को वन अधिकार पट्टा अवैध रूप से हासिल कर लिया गया। वन समिति के अध्यक्ष और पंचायत के पंचों का कहना है कि कभी लव कुमार द्वारा कभी भी वन पट्टा का आवेदन नहीं आया, बिना पंचायत अनुमोदन के पट्टा कैसे जारी कर दिया गया। समिति का अध्यक्ष हूं, उसको किस प्रकार से पट्टा मिला है उसको मेरे को कोई जानकारी नहीं है, हमें ग्रामीण जनता को जानकारी नहीं है। जब वन पट्टा मिल रहा था उस समय आपके पास तो दस्तखत के लिए आया होगा? नहीं आया है सर। नहीं आया? नहीं आया। तो कैसे उसको पट्टा मिल गया? पता नहीं सर, उसको कोई जानकारी नहीं है मेरे को, ना हमारे ग्राम पंचायत में भी जानकारी नहीं है। लव कुमार वल्द मुदानाथ को हमारे ग्राम पंचायत में आए हुए करीब 15-16 साल हो रहा है, जिसका अभी शासकीय भूमि में बिना पंचायत प्रस्ताव का, बिना ग्राम सभा अनुमोदन का, वन अधिकार समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन के बगैर वो पट्टा जारी करवा लिया है, जिसका हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है और आवेदन के पश्चात ग्रामवासियों का कहना है कि भाई हम कितने पुरुषों से यहाँ काबिज कर रहे हैं, गाय बैल चढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी एक थर्ड पर्सन व्यक्ति को जो आदिवासी न होते हुए उसको पट्टा 3 एकड़ कैसे जारी किया गया। ऐसा माने शासकीय माने भूमि का दुरुपयोग किया जा रहा है, हम ग्रामवासियों को इससे सहमत नहीं है इस पट्टे से, इसलिए कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि उसको निरस्त किया जाए। ग्रामीणों ने पटवारी पर सांठगांठ का भी आरोप लगाया। इसी सरकारी जमीन पर मनरेगा के तहत तालाब निर्माण कार्य की स्वीकृति भी मिली थी, जिसे लव कुमार ने अपना पट्टा होने का दावा करते हुए काम को रोक दिया। ग्रामीणों का कहना कि वर्षों से इस सरकारी जमीन पर मवेशी चराया करते थे, आज जमीन से सटे सरकारी तालाब में मवेशियों को पानी पीने से लव कुमार द्वारा मना किया जाता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर जन दर्शन के माध्यम से आवेदन देकर उक्त जारी पट्टा को निरस्त कराने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने कुनकुरी SDM और तहसीलदार को भी आवेदन देकर जांच कराकर पट्टा निरस्त करने के साथ दोषी पाए जाने पर सभी पर कार्यवाही की मांग की है। नारायणपुर से निरंजन मोहंती की रिपोर्ट। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।